मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 8 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले मीठे बच्चे, प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं, इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं, इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि किस निश्चय के बिगर खाना आबाद होने के बजाय बर्बाद हो जाता है। तो उत्तर में बाबा ने समझाया, अगर निश्चय नहीं है कि मोस्ट बिलवेड बाप हमें पढ़ा रहे हैं, हम आए हैं ज्ञान और योग सीखकर वर्षा लेने, तो खाना बर्बाद हो जाता है। संशय उठा, माना तकदीर को लकीर लगी, इसलिए निश्चय में ही विजय है। बाप माताओं को आगे रखते हैं, इसमें ईर्ष्या करने की बात नहीं, इसमें भी बच्चों को संशय व देह अभिमान नहीं आना चाहिए। मुरली का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। यह बच्चे कहते हैं कि बाबा समझाते हैं मैं साकार नहीं हूं, आकार में देवता भी नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं। यह भी आत्मा कहती है, सिर्फ अक्षर ऐड हो जाता है, परमात्मा यानी परमात्मा। उसकी ही महिमा है जिस परमात्मा को सभी भक्त याद करते हैं, इसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। और अभी है रावण राज्य, आसुरी संप्रदाय, एक दो को दुख देने वाली संप्रदाय, यह कौन समझाते हैं? जिसको ये आंख नहीं जान सकती, आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है। जब बाप पहचान देते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, जैसे तुम आत्मा हो मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं बाप होने कारण मुझ परमपिता परमात्मा कहा जाता है। इसलिए भगवानुवाच कहा जाता है, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा भगवानुवाच कहेंगे, ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः कहा जाता है। एक ही बाप खुद कहते हैं, हे बच्चे शिव भगवानुवाच, मैं तुम सबका भगवान हूँ, सब मुझे याद करते हैं, मैं ही सब बच्चों को सदा सुखी सदा शांत बनाता हूँ। सिर्फ कहने मात्र तो नहीं, जैसे मनुष्य मनुष्य को प्राइज देते हैं, फलाना पी स्थापन करने वाला लीडर, यहाँ मनुष्य की बात नहीं, सब मनुष्य को प्राइज देने वाला वह बाप है। तुम श्रीमत पर प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो, तुम जो मददगार बनते हो उनको प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिलता है, कल्प पहले मुआफिक। अब तो परमपिता परमात्मा का एक्यूरेट चित्र नहीं निकाल सकते, ब्रह्मा का फिर भी सूक्ष्म रूप है, यह परमात्मा जो स्टार है उनका फोटो कैसे निकाले। परमपिता परमात्मा एक ही है और है स्टार मुआफिक, फोटो निकाल न सके। फिर आत्मा जिसमें मन बुद्धि है वह उनको जानती है, यह है ही नई बातें, इसलिए समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो बाद में मिलता है, तुम आत्मा अविनाशी इमॉर्टल हो, शरीर मॉर्टल है, शरीर युवा वृद्ध होता है, आत्मा का चित्र तो निकल न सके, साक्षात्कार हो सकता है, साक्षात्कार का भी फोटो नहीं निकल सकता, बाकी समझाया जा सकता है। मनुष्य का देवताओं का फोटो निकल सकता है, परमात्मा का नहीं, इसलिए मूंझते हैं, समझ नहीं सकते। अब बाप समझाते हैं कि सारा कल्प जिस्मानी अभिमान में रहते हो, अब देही अभिमानी बनो। सत्य में तुम्हारा दैवी शरीर था, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र शरीर में आए, अब हे आत्मा तुमको चेंज करना है। तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ, तुम इन कानों से सुनते हो, और कोई मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे। तुम यहाँ आए हो परमपिता परमात्मा शिव के पास, परंतु वह है निराकार, जरूर वह निराकार ही साकार में आए हैं, तब तो तुम आए हो ना। तुमसे पूछा जाता है किसके पास आए हो, तुम कहेंगे शिव बाबा के पास।
यह दादा बीच में दलाल है क्योंकि प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर यानी दादे की है, और बीच में बाप ना हो तो दादा कैसे कह सकते हैं? दादे का वर्षा कैसे मिले? बाप हो तब तो दादे का वर्षा ले सकें। यहाँ सिवाय निश्चय के कोई आ नहीं सकता। सिवाय निश्चय के आने का मतलब सिद्ध हो ही ना सके। आते हैं शिव बाबा से मिलने। ब्रह्मा द्वारा बाबा के पास जन्म लेने बिगर हम उनके कैसे बन सकते हैं? ये तो समझने की बात है ना, परंतु माया बेसमझ बना देती है और फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं। तुम बाप को भूले हो इसलिए निधन के ऑर्फन बने हो, आधी मध्य अंत दुख पाते आते हो। आधा कल से लेकर जब से तुम विकारी बने हो तब से तुम दुखी होते होते अब महादुखी हो पड़े हो। जो देवताएं सदा सुखी थे इस समय महादुखी हैं। कहा स्वर्ग का राज्य भाग्य और कहा यह? यही तो तुम समझते हो कि शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा बाप है जिससे सच्चखंड का वर्षा मिलता है, यह समझकर यहाँ आते हो, नहीं तो आने की दरकार ही नहीं। बाहर में जाकर तुम भाषण करते हो कि बाप से आकर पढ़ो तो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बनेंगे। कोई देवी देवता धर्म का होगा तो सैपलिंग लग जाएगी। बाकी कॉलेज व यूनिवर्सिटी यह एक ही है, यहाँ रोज पढ़ना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है और पवित्र बनना है। रक्षाबंधन भी गाया हुआ है, बहन भाइयों को राखी बांधती है, माता शक्ति है ना, अब उनका मर्तबा जरूर ऊंच करना है। भाइयों को भी कहते हैं कि तुम इन माताओं का रिगार्ड रखो, इनके मददगार बनो। सितम से भी बचाना है, पूरी रीति न समझने के कारण उल्टी सुलटी बातें सुनाने से फिर बेचारी अबलाए बांध हो जाती हैं। तो जो उल्टे कर्म करते हैं, बाप से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं, उन पर बड़ा पाप का बोझा चढ़ जाता है। यहाँ तुम आए हो जीवन बनाने के लिए। इस ज्ञान मार्ग में विघ्न भी पड़ते हैं क्योंकि इसमें पवित्रता की बात है। क्राइस्ट को भी क्रॉस पर चढ़ाया, वह भी पवित्रता की बात थी। आत्मा पवित्र आती है, पवित्र बनाने की कोशिश करती है, फिर पोप पादरी लोग गुरु बन जाते हैं। वास्तव में गुरु पवित्र होने चाहिए, परंतु आजकल शादियां आदि भी करा लेते हैं। प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं है, यहाँ प्योरिटी है मुख्य। इस पर ही विघ्न पड़ते हैं। जैसे अमली को अमल बिगर आराम नहीं आता, वैसे विष बिगर रह नहीं सकते। बाप समझाते हैं कि मैं तुमको पति से पावन राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो तुम बच्चे यहाँ आते हो तो ख्याल रहता है कोई कुछ संशय तो नहीं उठता, नहीं तो बहुत हवलाओं पर बंधन आ जाएगा और फिर बड़ी सजा खाएंगे, क्योंकि बाप धर्मराज भी हैं। अब बाप निराकार को कहते हैं, भला आजकल जो मेयर को भी बापू जी कहते हैं, गांधी जी को भी बापू कहते थे, परंतु यह तो सब आत्माओं का रियल बाप है, यह कोई फालतू बड़ाई नहीं है। बाप मना बाप, हम आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं, बाप आते हैं, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। संशय लाती है माया रावण। संशय को भूत कहा जाता है, निश्चय को भूत नहीं कहा जाता। निश्चय से विजय पाते हो, संशय भूत से विनाश को पाते हो। बाबा ऐसा क्यों करते हैं? बाबा माताओं की महिमा क्यों करते हैं? यह संकल्प आना भी संशय हुआ ना? बाप कहते हैं यह तो प्रवृत्ति मार्ग है, परंतु उसमें भी माता गुरु कहा जाता है, वंदे मातरम। माता गुरु बिगर किसी का कल्याण हो नहीं सकता। गोपो का भी कल्याण होता है, वह फिर औरों की सर्विस करते हैं, मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं। चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास, आपको ले चलें। ब्रह्मा कुमार तुम भी हो, प्रजापिता ब्रह्मा मशहूर है। जब सृष्टि रची होगी तो जरूर भगवान आया होगा। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। ब्रह्मा को किसने पैदा किया? परमपिता परमात्मा शिव ने, नहीं तो मनुष्य सृष्टि कैसे रच रहे? मनुष्य कहते भी हैं कि हमको खुदा ने पैदा किया, तो जरूर खुदा को फिर जिस्म में आना पड़े। और जिस्म का नाम क्या? संन्यास लेने के कारण, उनका बनने कारण नाम पड़ता है ब्रह्मा। देखो सृष्टि कैसे रची जाती है।
ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। गीता आदि में ये बातें कुछ भी नहीं है, यह नॉलेज है सदगति की। बाप ही सदगति दाता है, वह रचता ही इस सृष्टि के आधे मध्य अंत को जानते हैं। भल सारी दुनिया में ढूंढो, कोई है जो रचता और रचना के आधे मध्य अंत को जानते हो सिवाय ब्रह्म कुमार कुमारियों के? कोई है? बाबा कहते कोई है जो जानता हो इनको सिवाय ब्रह्म कुमार कुमारियों के? सो भी ज्ञानी तो आत्मा बच्चे जान सकते हैं। तुम्हें सिद्ध करना है क्या कि परमपिता परमात्मा बाप है, ना कि वे सर्वव्यापी है। आखिर इन सभी समझ जाएंगे कि ये ज्ञान उन्होंने परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा देते हैं, इसलिए इनका नाम है ही ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान नहीं, जरूर बाप से ही मिला होगा। वह है ज्ञान सागर, उनकी महिमा है। ज्ञान का कलश फिर माताओं को दिया है। बाप आकर इन माताओं को ऊंच बनाते हैं। पुरुष भी ऊंच बनते हैं, परंतु इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि माताओं का नाम क्यों डाले। बाप आकर माताओं का मान बढ़ाते हैं। बाप बच्चों को ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, जिसका नाम रखा है ब्रह्मा ज्ञान। ज्ञान शिव बाबा का है और ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा खुद भी कहते हैं ज्ञान सागर में नहीं हूँ, बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, बाबा का बना हूँ तब बाबा ने नाम रखा है। एडॉप्ट जो होते हैं तो उनका नाम बदला जाता है। कितनी अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बड़ी राजधानी स्थापन होती है। लिखा हुआ भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। रुद्र माना शिव। श्री कृष्ण तो प्रिंस था, वह कैसे यज्ञ रचेगा? श्री कृष्ण ने स्वर्ग की रचना नहीं रची, वह तो रचयिता ही रचेगा। ये बातें समझेंगे भी वह जो अपने कुल के होंगे। देवी देवता धर्म वालों की ही सैपलिंग लगेगी। तुम समझते जाएंगे कहाँ तक उठाते हैं। सूर्यवंशी में जाएंगे, वह चंद्रवंशी में जाएंगे, वह प्रजा में सब समझते हैं। मौत पर कोई भरोसा नहीं है। आजकल तो बैठे बैठे झट मौत हो जाता है। स्वर्ग में अकाले मृत्यु होती ही नहीं। मनुष्य सुख के लिए मेहनत करते हैं। हम अपने को सुखी रखें, साहूकार बने। कोई को 5 रुपया मिलेगा तो कोशिश करेंगे कि 6-7 रुपये मिले। बाप कहते हैं मैं तो तुमको संपत्तिवान बना देता हूँ। सन्यासी तो कहते सुख काग विष्टा समान है, वह क्या जाने। और बाप समझाते हैं हठ योगी किसी को भी जीवन मुक्ति दे न सके। जीवन मुक्ति परमपिता परमात्मा ही देते हैं इन माताओं द्वारा। जरूर पुरुष भी होंगे, फिर औरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। मेजॉरिटी माताओं की है। नाम भी गौपाल कन्हैया गाया हुआ है, बैल पर थोड़े नाम है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से माया उड़ा लेती है। बच्चे आते हैं निश्चय से कि हम जाते हैं मोस्ट बिलवेड बाप के पास। यह आत्मा ने मुख से कहा जाता हूं। परमपिता परमात्मा के पास राजयोग और ज्ञान सीख वर्षा लेने के लिए, नहीं तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं। इस ख्याल से नहीं आएंगे तो संशय ही उठा कर ले जाएंगे। माना अपना खाना बर्बाद करेंगे और फिर लकीर लग जाती है। इसलिए कहा जाता निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तो पहले ही लिखा लेना चाहिए। क्या लिखा लेना चाहिए कि किसके पास जाते हो? परमपिता परमात्मा के पास। बस वही समझाते हैं। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करते हैं। कितनी नौथा भक्ति करते हैं। जब एकदम गले में कुल्हाड़ी लगाने लगते हैं तो कहते हैं अगर साक्षात्कार ना हुआ तो हम मर जाएंगे। तब मुश्किल से दीदार होता है। यह भी साक्षात्कार मैं कराता हूँ। यहाँ तो मुझे बाबा कहते यहाँ तो बच्चों को मुझे साक्षात्कार कराना ही है। एम ऑब्जेक्ट है, साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन इसमें खुश नहीं होना है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ये प्रारब्ध कैसे पा सकते। इसलिए पुरुषार्थ फर्स्ट। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है श्रीमत पर चल, बाप के साथ मददगार बन, सारे विश्व पर प्योरिटी पीस स्थापन कर, पीस प्राइज लेनी है। और सेकंड पॉइंट है माताओं बहनों को सितम से बचाना है, माताओं का मर्तबा बढ़ाना है, रिगार्ड रखना है। बाबा ने हमें वरदान दिया अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव, सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन, सर्व को सहयोग दो, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, ये है बड़े से बड़ी सेवा देना। इसने ये कहा, ये किया, ये देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो तो अपने सहयोग से जगह भर देना, यही है मास्टर दाता बनना। स्लोगन है सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो, सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।